जब भी कोई स्क्रिप्ट हम लोग कोड कैनियन से बाई करते हैं और उसके बाद अपनी होस्टिंग पे अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे हम लोगों से चार पांच चीज़ें पूछता है। डेटाबेस होस्ट कौन है, और उसके बाद डेटाबेस नाम क्या है, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, वेबसाइट पाथ, और उसके बाद लाइसेंस वेरिफिकेशन, आइटम परचेज कोड। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन आइटम परचेज कोड नहीं मिलता, तो वो आप लोग कहाँ से फाइंड करोगे, यही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से आप लोगों ने साइन इन करना है, और यहाँ से आप लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और साइन इन कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने जाना है अपने यूज़र नेम के ऊपर, और यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों के पास वो कोड आ जाएगा जो आप लोगों ने परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आना है डाउनलोड पे, और यहाँ से क्लिक करना है लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड टेक्स्ट। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोगों का जो कोड है वो आप लोगों को टेक्स्ट फाइल में मिल जाएगा। ये आप लोगों के सामने डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसे मैं ओपन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो गए आइटम परचेज कोड यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है। और आप लोग इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें, और अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरे YouTube चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।